गाइज, मैजिकल फैंटेसी वेब सीरीज में हम लोग क्या चाहते हैं? अच्छी स्टोरी लाइन, अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छा विजुअल्स, जो कि हम व्यूअर्स को बांधे रखे और हमें रियलिटी की दुनिया से खींचकर अपनी जादुई दुनिया में ले जाए। बहुत अच्छे, अब होगी नई शुरुआत। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। लेकर आ गया हूँ ऐसे ही नेटफ्लिक्स के टॉप 8 बेस्ट मैजिकल फैंटेसी वेब सीरीज को, जिसके माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट और जबरदस्त स्टोरी लाइन आपको गजब का एक्सपीरियंस देगी और इसे देखते टाइम ये आपको जरा सा भी बोर नहीं होने देगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि हम ऐसे ही टॉप कलेक्शंस लाते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। 8th नंबर पे है कर्स्ड। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में, जिसका स्टोरी कैथरीन लैंगफोर्ड के कैरेक्टर निमुए के चारों तरफ घूमता है, जिसके गांव में एक दिन प्रिस्टो का सेना रेड पैलेडियन अटैक कर देता है और उसके सारे जाति को मारने लगता है, जिसमें निमुए अपनी जान बचाने में सफल हो जाती है। लेकिन वो रेड पैलेडियन उसके माँ को मार देता है और मरते मरते निमुए की माँ उसको एक काम देती है, जिसमें उसे एक ताकतवर तलवार एक्सकैलिबर को एक जादूगर मर्लिन को देना होता है। वहीं से निमुए का एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उसे आर्थर मिलता है, जो उसके एडवेंचर में उसका साथ देता है। इस सीरीज के एक सीजन 10 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिसको IMDb पे रेटिंग मिला है 5.9 out of 10, और आप चाहो तो इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। 7th नंबर पे है द ऑर्डर्स, जिसका फर्स्ट सीजन आया था 2019 में। इस वेब सीरीज में स्टोरी दिखाया जाता है कॉलेज स्टूडेंट जैक मार्टिन के बारे में, जो कि अपने माँ के कातिलों को खोजने लगता है, जिसका तलाश उसे ले आता है वलग्रेव यूनिवर्सिटी में, जहाँ उसका मुलाकात होता है एक लड़की एलिसा से, जो कि उस यूनिवर्सिटी की टूर गाइड होती है और एक सीक्रेट सोसाइटी द हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू की मेंबर होती है। उस सोसाइटी में मैजिक सिखाया जाता है। जैक जैसे जैसे उस सोसाइटी में जुड़ता जाता है, उसे डार्क मैजिक के बारे में पता चलता है, जिसमें डीमंस और एक वेयरवुल्फ द ऑर्डर के मेंबर पे अक्सर हमला करते हैं। 1, 2, ये एक जबरदस्त वेब सीरीज है, जिसके अभी तक 2 सीजन 20 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिसको IMDb पे रेटिंग मिला 6.8 out of 10, और आप चाहो तो इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। 6th नंबर पे है वॉरियर नन, जिसका फर्स्ट सीजन आया था 2020 में नेटफ्लिक्स पे। इस वेब सीरीज में स्टोरी दिखाया जाता है एक अनाथ और अपाहिज लड़की के बारे में, जिसका डेथ हो जाता है। उसके बाद मुर्दा घर में एक रिंग टाइप एक सुपर पावर गुंडों से छुपाने के लिए उसके बैक में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो जिंदा हो जाती है और उसके पास सुपर पावर्स आ जाते हैं। बाद में उसको पता चलता है कि उसके बैक पे जो रिंग है, वो एक नन ग्रुप के द्वारा बनाया गया सुपर पावर है, जो कि खतरनाक राक्षसों का शिकार करते हैं। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली सीरीज है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस वेब सीरीज के टोटल 1 सीजन 10 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिसको IMDb पे रेटिंग मिला 6.9 out of 10, और ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। 5th नंबर पे है फेट द विंग सागा, जो कि इसी साल आया है 2021 में। अगर आपको हैरी पॉटर सीरीज पसंद है तो ये भी पसंद आएगा। इस वेब सीरीज में स्टोरी दिखाया जाता है कुछ फेरीज को, जिसके पास अलग अलग सुपर पावर्स होते हैं, और वो दूसरे वर्ल्ड के एक स्कूल में जाती है अपने जादू को कंट्रोल कैसे करे ये सीखने के लिए, और वहाँ जाकर उनका सामना होता है कुछ खतरनाक डीमन से, जो कि उन लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ये एक जबरदस्त सीरीज है, जिसके 1 सीजन 6 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिसको IMDb पे रेटिंग मिला 6.9 out of 10, और आप चाहो तो इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। 4th नंबर पे है लॉक एंड की। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में, जिसका स्टोरी दिखाया जाता है 3 सिबलिंग्स के बारे में। जब उसके फादर का डेथ हो जाता है, तब वो लोग अपनी माँ के साथ अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका नाम होता है की हाउस। वहाँ जाकर उन सभी को उस घर में बहुत सारे मैजिकल की मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसके फादर के डेथ से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद वो लोग जैसे जैसे अलग अलग मैजिक वाले की को निकालते हैं, वैसे वैसे डीमन सब जागते जाते हैं, जो कि उनपे अटैक करके उन कीज को छीनने का हर संभव प्रयास करते हैं। 1 वेब सीरीज है, जिसके अभी तक 1 सीजन 10 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिसको IMDb पे रेटिंग मिला 7.4 out of 10, और आप चाहो तो इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। 3rd नंबर पे चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। इस वेब सीरीज का फर्स्ट सीजन आया था 2018 में, जिसमें स्टोरी दिखाया जाता है एक लड़की सबरीना स्पेलमैन के बारे में, जो कि हाफ वुमन और हाफ विच होती है। जैसे जैसे उसका 16th बर्थडे करीब आता है, उसे चूज करना होता है कि वो अपने फैमिली के साथ विच वर्ल्ड में रहेगी या अपने ह्यूमन दोस्तों के साथ। आगे क्या होता है और कौन सा साइड चूज करती है, आपको सीरीज में ही देखना चाहिए। हमें खबर मिली है हवा में उड़ने की,
फरिश्तों को मार डालने की, मरी हुई जादूगरनियों को फिर जिंदा करने की, एक फर्स्ट ईयर की आधी इंसान लड़की ये सब कैसे कर सकती है? ये एक बहुत जबरदस्त वेब सीरीज है जिसका टोटल 4 पार्ट 36 एपिसोड्स है, जिसको IMDb पे रेटिंग मिला 7.5/10, और आप चाहो तो इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है शैडो अनबोर्न। ये वेब सीरीज आई है 2021 में, जिसमें स्टोरी दिखाया जाता है ग्रीसा वर्स का, जिसमें एक मैप मेकर अलीना और मेल रावका ईस्ट में रहते हैं, और रावका वेस्ट एक शैडो वॉल से घिरा हुआ होता है जिसके अंदर मानव भक्षी जीव होते हैं जिसको पार करना असंभव होता है। जब जनरल क्रीगन अलीना से मिलता है तब अलीना को उसके सुपर पावर के बारे में पता चलता है, जो कि उस शैडो वॉल को खत्म कर सकता है। इस वेब सीरीज का एडॉप्शन 2 नॉवेल से किया गया है, शैडो एंड बोन और सिक्स ऑफ क्रोज, जिसके 3 मेंबर का किरदार भी बहुत जबरदस्त दिखाया गया है। इस सीरीज के एक सीजन 8 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिसको IMDb पे रेटिंग मिला 7.7/10, और आप चाहो तो इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे लिस्ट का बेस्ट सीरीज है द विचर। इस सीरीज का फर्स्ट सीजन आया था 2019 में, जिसमें दिखाया जाता है एक विचर गेराल्ट ऑफ रिविया, जो कि एक मॉन्स्टर हंटर होता है जो पैसा लेकर मॉन्स्टर को मारता है। वो उस वर्ल्ड में अपना जगह खोजता है जहां ह्यूमन ज्यादा खतरनाक होते हैं मॉन्स्टर से। साथ में ही 2 और कैरेक्टर का स्टोरी चलता है, जिसमें येनिफर जो कि अपाहिज लड़की होती है और वो जादू सीखकर सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाती है। दूसरी तरफ एक प्रिंसेस होती है जिसके पास एक स्पेशल गिफ्ट होता है और उसे पकड़ने के लिए पड़ोसी राज्य हमला कर देता है उस पर, जिसके कारण क्वीन उसे भागने में मदद करती है और विचर को खोजने के लिए कहती है, जो कि उसका डेस्टिनी होने वाला होता है। राजकुमारी सेरेला, तुम्हारी नियति है, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ये एक बहुत जबरदस्त वेब सीरीज है जिसके अभी तक एक सीजन 8 एपिसोड्स आ चुके हैं, और इसे IMDb पर रेटिंग मिला 8.2/10, और आप चाहो तो इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। तो गाइज, हमारा काउंटडाउन यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा वेब सीरीज पसंद आया। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय। This is the future.